जिला प्रशासन को कुछ दिन पहले ही ज्ञापन दिया था। बेतवा नदी में पितृपक्ष और महिलाओं के स्नान करने के तर्पण शुरू होने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं चोरी से बचने के इंतजाम करना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया। पुलिस प्रशासन का एक भी जवान घाट पर मौजूद नहीं रहता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए हैं। वे यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं एवं डूबने वाले को देखते हैं। उनका कहना है कि सामान की सुरक्षा हम नहीं कर सकते, यह पुलिस का काम है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात नहीं है, जिससे कि रोज 2-4 मोबाइल, कपड़े आदि सामान चोरी हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या हुआ अभी, क्या घटना हुई? अरे कपड़ा चोरी हो गया था। उसमें क्या क्या सामान था? मोबाइल था, गाड़ी की चाबी थी। तो आप ऐसा नहीं कहीं रख के भूल गए? नहीं नहीं, जो ट्यूब के बगल में रखा था। तो कितनी देर हो गई? अभी आधे घंटा में नहाई है, पानी दिया अकेला बस।